Hi guys, welcome back to my channel. I'm Kishmeen and I hope you're all doing well. And happy 2024. This is the first video of 2024. Finally, new year aa gaya and we are in January. I hope this year brings a lot of positivity, growth and success for you. All your wishes come true, all your manifestations come true. सबको बहुत सारा प्यार मिले जिंदगी में, पॉजिटिविटी मिले एंड सबको बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिले. हमारे मन में शांति बनी रहे, दुनिया में शांति बनी रहे, दोनों जगह शांति बने रहना बहुत ज़रूरी है. एंड वी ऑल यू नो स्टे हेल्दी, फिट, वेल्दी एंड एवरीथिंग. सो यू मस्ट हैव सीन द टाइटल एंड मस्ट हैव सीन द थंबनेल एज वेल. इट्स गोइंग टू बी अ वेडिंग गेस्ट आउटफिट्स. ओके, सो ये चीज़ मैंने थोड़ा टाइम पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस पे, यू नो, अपने चैनल पे, वेडिंग गेस्ट आउटफिट अंडर समथिंग समथिंग. आई विल जस्ट पुट द वीडियो अप हियर. यहाँ पे ऊपर आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा एंड एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना. उस वीडियो में आई कवर्ड बेसिकली सूट सेट्स एंड शरारा सेट्स जो आप वेडिंग गेस्ट, एज अ वेडिंग गेस्ट, किसी की शादी में पहन सकते हो, चाहे पास की शादी हो चाहे दूर की शादी हो. एंड आज भी हम वेडिंग गेस्ट आउटफिट्स ही कवर करेंगे, बट आज हम लहंगे कवर करेंगे. एंड वी हैव सम लाइट लहंगा, सम मीडियम लहंगा, कोई भी लहंगा बहुत भारी नहीं है. मैं थोड़ा वहाँ इसलिए देख रही हूँ बिकॉज वहाँ लहंगे पड़े, सो आई वॉज लाइक लाइट है, मीडियम है, हैवी तो नहीं है. सो वी आर गोइंग टू कवर लहंगास, ठीक है. आई एम गोइंग टू शो यू 5 डिफरेंट लहंगास. 5 लहंगे मैंने मंगाए हैं फ्रॉम Amazon एंड दे आर लाइक वेरी अफोर्डेबल अंडर अ सर्टन रेंज. सो मैं आप सबको वो लहंगे दिखाऊंगी एंड पहन के भी दिखाऊंगी. हाउएवर मैं सब कुछ पहन के नहीं दिखा पाऊंगी. नंबर 1, सबके ब्लाउजेज अनस्टिच्ड हैं, सो ब्लाउज किसी का भी मैचिंग नहीं पहन पाऊंगी. नंबर 2, 1-2 लहंगे भी थोड़े अनस्टिच्ड आए हैं सॉर्ट ऑफ, तो ऐसा होगा तो थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा आउटफिट्स में. बट मैं बेस्ट तरीके से आपको आउटफिट्स दिखाने वाली हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि ये लहंगा आप पे कैसा लगेगा. कुछ लहंगों में नीचे कैन कैन की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ बहुत फ्लैट लगेंगे, तो उसका थोड़ा आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा. दिस इज़ जस्ट कि लहंगा कैसा है देखने में, क्वालिटी कैसी है, कितने का है, एंड आप एक अंदाज़ा लगा लो कि आप पे कैसा लगेगा. अगर आप चैनल पे नए हो तो वेलकम टू माय चैनल गाइस. इस साल तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, सो डू सब्सक्राइब एंड नाउ लेट्स मूव इनटू द वीडियो. ओके, सो लेट्स सी आवर वेरी फर्स्ट लहंगा. एंड ये है फर्स्ट लहंगा. दिस इज अ वेरी प्रिटी डीप रेड कलर का लहंगा विथ सम मिरर वर्क ऑन इट, थोड़ा थोड़ा चिकनकारी का वर्क हो रखा है. मैंने ये लहंगा इसलिए चूज करा बिकॉज ओनली फॉर दिस मिरर वर्क एंड चिकनकारी थिंग. 3-piece लहंगा है, इसका ब्लाउज अनस्टिच्ड आता है. लेट्स सी इट. सो ये रहा लहंगा. नाउ इसी लहंगे की मैं बात कर रही थी कि ये अनस्टिच्ड आया है इस तरीके से. यूजुअली बहुत लहंगे अगर आप मार्केट में जाके खरीदो तो ऐसे मिलते हैं कि आप यहाँ से इस लहंगे को अपने हिसाब से सिलवा लो, ठीक है. सो मैं आपको उसको पहन के दिखाऊंगी, बट थोड़ा सा अभी DIY सॉर्ट ऑफ मेकशिफ्ट काम ही हो पाएगा बिकॉज मैं इसे पूरा स्टिच नहीं करा सकती, तो जितना मैक्सिमम पहन के दिखा पाई अभी दिखाऊंगी. बट यू कैन हैव अ क्लोजर लुक. इस पे इस तरीके का मिरर वर्क है, यहाँ प्लीट्स डली हुई हैं बीच में और थ्रेड वर्क से डिजाइन है. एंड ये जो है ये हमारा इसका ब्लाउज पीस है, बिल्कुल सेम है नीचे के जैसा, बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिजाइन बने हुए हैं मिरर वर्क के. बेसिकली आप इसमें सिर्फ लहंगा देख लो कि लहंगा कैसा है, ठीक है. लहंगा पे मिरर वर्क है, एक डीप रेड कलर है, बहुत अच्छा है स्पेशली शादियों में पहनने के लिए. एंड डोंट वरी, सिर्फ ब्राइड लाल नहीं पहनती, आजकल तो ब्राइड कौन से कलर पहन लेती है. सो इट्स अ वेरी नाइस रेड कलर जो आप पहन सकते हो. एंड या इसके साथ अब आप मैचिंग ब्लाउज सिलवाओगे, मैचिंग दुपट्टा लोगे, तो ये पूरा लुक इकट्ठा होकर बहुत अच्छा निकल के आएगा. ऑब्वियसली मैं अभी पूरी रेडी नहीं हूँ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लहंगा एंड इट्स माई फेवरेट बिकॉज इट्स सो प्रिटी. यू कैन सी This is like a very pretty white floral lehenga and I love it. कितना सुंदर लग रहा है पिक्चर में यार, इसलिए तो मैंने ऑर्डर किया. Now this is how it looks. ये सिला सिलाया लहंगा है, इसमें कुछ नहीं है और, ठीक है. एंड इस लहंगे का फ्लेयर प्रीवियस वाले से बहुत ज्यादा बेटर है ऑलरेडी, इसमें बेटर फ्लेयर है उससे. एंड व्हाइट बेस के ऊपर ये फ्लावर्स बने हुए हैं पीच कलर के, गाजरी कलर के, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही प्यारा कलर है. एक अगर आपको किसी दिन की शादी में जाना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है ये. नाउ वी कैन सी कि ये 3-piece लहंगा है एंड इसका दुपट्टा है, इसका मैचिंग ब्लाउज भी है, बट ब्लाउज नेचुरली मैं नहीं पहन पाई.
साइज के साथ बिकॉज अनस्टिच ब्लाउज है, बट आप दुपट्टे और लहंगे से अंदाजा लगा सकते हो कि आप पे कैसा लगेगा. दिस इज एज आई टोल्ड यू वेरी मच परफेक्ट फॉर अ डे वेडिंग. बहुत ही लाइक ड्रीमी, बहुत ही लाइट, बहुत ही मिनिमल सॉर्ट ऑफ वाइब दे रहा है ये. मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये. इसको आप किसी भी अच्छी शादी के लिए या दिन के फंक्शन के लिए, मे बी सुबह की हल्दी है तो उसके लिए पहन सकते हो, या छोटा मोटा फंक्शन जैसे रोका वगैरह है उसके लिए पहन सकते हो, या दिन का लिटरली कुछ भी फंक्शन है यू कैन वेयर इट फॉर दैट. ओवरऑल आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट. क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिट वगैरह, यू नो, नीचे तो नॉर्मल नाड़ा लगा हुआ है, ऊपर आपको ब्लाउज सिलवाना पड़ेगा, तो यू नो ओवरऑल मुझे बहुत क्यूट और बहुत पसंद आया. एंड आई लव यू नो दिस मिनिमल लहंगा. नाउ लेट्स सी द थर्ड लहंगा, एंड इट इज दिस ग्रीन कलर का लहंगा. नाउ इट लुक्स वेरी प्रिटी इन द पिक्चर. लेट्स सी हाउ इट लुक्स एक्चुअली. सो एज वी कैन सी ये है लहंगा, ये पूरा स्टिच्ड है. ओ सॉरी, ये स्टिच नहीं है भाई, ये भी खुला हुआ है इस तरीके से. एंड यू नो यू नीड टू गेट इट स्टिच्ड फ्रॉम हियर. अब इट डिपेंड्स फ्रॉम सेलर टू सेलर. नाउ इस लहंगे का डिजाइन कहाँ है, नीचे ये डिजाइन है. नाउ पहले तो आप डिजाइन देख लो अच्छे से. नाउ पर्सनली सेइंग आई डोंट लाइक दिस लहंगा. ऑनलाइन अच्छा लग रहा था पर यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा है. सो इनफैक्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम नॉट गोना वेयर इट. आई एम नॉट गोना शो यू हाउ इट लुक्स ऑन मी बिकॉज मुझे ये नहीं पसंद आ रहा, तो मैं इसका जुगाड़ लगा के इसको पहनूं एंड ऑल करूं. तो हाँ, मैं जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए स्टिल आपको दिखा दूंगी. मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं किसी और को भी पसंद ना आए, ठीक है. तो आप इसको देख लो इस तरीके से. ऐसे ये नेट वेट का ऊपर है एंड देन यहाँ थ्रेड वर्क से यू कैन सी फ्लावर्स बने हुए हैं इस तरीके से. एंड इसका दुपट्टा वगैरह भी है, दुपट्टा सेम है, ब्लाउज पीस भी है, सब कुछ है. इफ यू लाइक इट यू कैन डेफिनेटली गेट इट, बट आई एम जस्ट नॉट गोना वेयर इट. सो नेक्स्ट वन इज दिस. दिस इज थोड़ा ब्लैक लग रहा है पर है ये नेवी ब्लू कलर का. मुझे भी लगा था थोड़ा ब्लैक सा है इसलिए मैंने मंगाया, बट रियलिटी में नेवी ब्लू आया है. लेट मी शो यू. तो ये आया है हमारा लहंगा. अगेन ये ऐसा आया है. तो इन सब लहंगों की डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है सेमी स्टिच्ड. मुझे लगा सेमी स्टिच का मतलब है कि ब्लाउज अनस्टिच्ड आएगा और लहंगा तो स्टिच्ड आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी अनस्टिच्ड आया है. मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा लहंगे अनस्टिच्ड आ गए हैं. सो डोंट वरी, मैं इसे पहन के दिखाऊंगी बिकॉज ये बहुत ही सुंदर सा मिनिमल सा फ्लोरल सा लहंगा है. एंड लेट्स वेयर इट. नाउ आई लव दिस लहंगा बिकॉज ये तो मिनिमल है काफी, ठीक है. एंड ऐसे सॉलिड कलर के ऊपर हमने फ्लोरल डाला हुआ है, कुछ ज्यादा चमचम नहीं है, ठीक है. इसका ब्लाउज पीस प्लेन आया था इसके साथ, बट मैंने कुछ और ही पहना है. एंड दुपट्टा है उसके ऊपर नेट का दुपट्टा है, थोड़ा सा बस बॉर्डर पे काम है, द सेम एज गोल्डन वर्क जो है वेस्ट पे है. अब आप इसे किसी छोटे फंक्शन पे या किसी मिनिमल फंक्शन पे पहन सकते हो या किसी सुबह के फंक्शन पे पहन सकते हो. अगर आप इसके साथ थोड़ी हैवी गोल्डन ज्वेलरी पहन लोगे तो आप इसको रात के फंक्शन में भी पहन सकते हो. ग्रेट फॉर कॉकटेल्स और रिसेप्शंस आई वुड से. एंड आई लव दिस. आई लव यू नो कपड़े जो बहुत से फ्लोई से होते हैं, स्पेशली लहंगे जिनके घेरा अच्छा होता है, या जो यू नो व्हेन यू ट्वर्ल तो बहुत से ट्वर्ल करते हैं, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है. आई लव दिस वेरी फ्लोई. ऑब्वियसली ये बेटर स्टिच होता, मतलब प्रॉपर स्टिच होता तो ये ज्यादा अच्छे से फ्लो करता, घूमता. अभी बस टेम्परेरी घूम रहा है, ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दिस वेरी प्रिटी पिंक लहंगा. आई नो इट्स प्रिटी राइट, इट्स वेरी वेरी प्रिटी. So you know this is how it looks on the internet. Let's see how it looks in reality. Now pehle bata do iske niche you will need can. I will wear this for you guys and it's pretty, it's cute. It has some thread work going on here. Thoda Swarovski aise nag yahan lage hue hain copper color ki. Full pink, bright pink ekdam lehenga ho rakha hai ye. Let's wear it and see. Now you can see obviously मैंने लहंगा और दुपट्टा लिया है. इसका दुपट्टा भी बहुत सिमिलर है लहंगे के जैसा. एंड ब्लाउज पीस इसका प्लेन आया था, प्लेन पिंक कलर का. सो अब आप दो चीजें कर सकते हो, आप लहंगा ले लो एंड अ ब्लाउज पीस, या तो जो इसके साथ यू नो कपड़ा आता है उसी का सिलवा लो. एंड या फिर आप मार्केट में जाके या ऑनलाइन बिल्कुल एक अलग ही ब्लाउज, पूरा रेडीमेड ब्लाउज मतलब खरीद लो. इट इज योर विश. ऑब्वियसली यू कैन सी कि ये लहंगा थोड़ा फ्लैट है, तो इसके नीचे कैन की जरूरत पड़ेगी. मोस्टली लहंगों के नीचे जो हम स्पेशली ऑनलाइन लेते हैं उनके नीचे कैन की जरूरत पड़ती है. विद कैन वाले लहंगे थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, तो मैं जो कैन है दो तीन डिफरेंट कैन जो आपको अमेजोन पर सही रेट में मिल जाएंगे उनका नीचे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मेक श्योर कि आप कैन भी चेक कर लो बिकॉज इन सब लहंगों के साथ बहुत काम आने वाली है.
ओवरऑल जस्ट टेक अ लुक, टेक अ रेफरेंस कि ये कैसा लग रहा है, आप पे कैसा लगेगा. मुझे अच्छा लग रहा है पिंक, काफी फेवरेट कलर है मेरा, मुझे अच्छा लगता है ब्राइट पिंक. तो आई थिंक जब मैं अगर इसे रेडी होके पहनूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तो आप पे भी अच्छा लग सकता है. रेस्ट यू हैव टू डिसाइड. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड घूम घूम के, लहंगे बांध बांध के और बुल बुल के. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड कॉमेंट करके बताना आपका फेवरेट लहंगा कौन सा था. सब प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. कैन कैन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड जो एक और मेरी वीडियो डाली थी जिसमें शरारे और सूट थे, वो आपको आईकार्ड पे ऊपर मिल जाएगी, वहां से देख लेना. आई ऑर्डर 5 लहंगाज जिसमें से एक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट 4 मुझे बढ़िया लगे, बट सब सेमी स्टिच थे. तो यू नो मुझे भी समझ आ गया और आपको भी समझ लेना चाहिए कि सेमी स्टिच का मतलब होता है कि ब्लाउज तो अनस्टिच्ड आएगा ही आएगा, साथ में लहंगा भी कई बार अनस्टिच्ड आएगा. मुझे लगता था कि खाली ब्लाउज अनस्टिच्ड आता है, बिकॉज अभी तक ऐसा ही होता था मेरे साथ. बट नेवर माइंड, लहंगा तो आपको स्टिच करवाना ही पड़ेगा, उसके नीचे के लिए आपको थोड़ी कैन कैन लेनी पड़ेगी, बिकॉज ये थोड़े अफोर्डेबल रेंज के लहंगे हैं इसलिए ऐसा है. नेचुरली इफ यू वॉन्ट हैवियर लहंगाज तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑफलाइन जाके खरीदो. ये है कि अगर आपका दूर का फंक्शन है, जैसे अगर आप क्रिएटर हो तो आपको शूट वगैरह के लिए कुछ लहंगा चाहिए, तो ये बहुत अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन है. यू कैन ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज @kishwin.com. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, पिछले साल से अगले साल में जंप कर गए, तुमने सब्सक्राइब नहीं करा, वेरी बैड, अभी सब्सक्राइब करो. वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ.